सत श्री अकाल दोस्तों, अपना पंजाब पंजाबी लोक चैनल से तुहाडा स्वागत है। मैं बलराज लैके हाजिर हाँ अज दीआं कुछ अहम ते खास खबरां। खेती कानूनां विरुद्ध रोस प्रगटाउण लई दिल्ली वल कूच कर रहे किसानां नूं हरियाणा वल्लों रोकण दीआं जबरी कोशिशां करन दी सख्त आलोचना करदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां नूं हाशिए ते धक्कण लई भाजपा दी अगवाई वाली सरकार नूं चेतावनी दित्ती। हरियाणा सरकार नूं दिल्ली विच शांतमई ढंग नाल अपनी आवाज़ उठाउण लई मुजाहरा करी किसानां नूं कौमी मार्ग राही लंघन की इजाजत देने की अपील करदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां नूं अगे वधण तों रोकण की लोड़ ते सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खट्टर सरकार किसानां नूं दिल्ली वल जाण तों क्यों रोक रही है। उन्होंने कहा शांतमई ढंग नाल रोस जाहिर कर रहे किसानां उपर निर्दयी ताकत की दमनकारी वरतों करना पूरी तरह गैर जमहूरी अते गैर संवैधानिक है। मुल्क दा ढिड्ड भरन वाले हत्थां हत्थ फड़न की लोड़ है, ना कि पासे धक्कण की। मुख्यमंत्री ने संविधानक दिवस मौके इस कार्रवाई में दुखदायक कदम करार दिंदिआं कहा कि किसानां दे रोस प्रगटाउण दे संविधानक हक नूं दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस वल्लों ताकत की बेरहम वरतों किए जाने की सख्त आलोचना की, जिस ने सूबे राही दिल्ली वल कूच कर रहे पंजाब के किसानों नूं रोकण लई पानी दीआं तोपां अते अथरू गैस की वरतों की। बहुत थावां ते हरियाणा के किसानों उन्हां दे पिंडां तों बाहर निकलण की आग्या नहीं दी गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हिंसा की की लोड़ सी। उन्हां कहा कि पंजाब विच किसान बिना किसी दिक्कत तों पिछले दो महीनों तों अंदोलन कर रहे हैं, इतों तक के सूबे नूं इस नाल करोड़ां रुपए का घाटा भी सहना पिया। हरियाणा सरकार की दीआं कार्रवाइयां नूं भड़काऊ करार दिंदिआं उन्होंने कहा कि पंजाब विच हिंसा ते अमन कानून की कोई समस्या पैदा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा लगभग दो महीनों तों किसान बिना किसी मुश्किल तों पंजाब विच शांतमई ढंग नाल रोस प्रदर्शन कर रहे सन। हरियाणा सरकार ताकत की वरतों करके किसानों नूं क्यों भड़का रही है, कि जनतक मार्ग से शांतमई तरीके नाल लंघन दा किसानां दा कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप नूं किसानां विरुद्ध अजिहे धक्केशाही वाले हथकंडे ना वरतण लई आपो अपनियां सूबा सरकारां नूं निर्देश देने की अपील की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार वल्लों किसानां दी गल सुनी जावे ते उन्हां दीआं चिंतावां दूर कीतीआं जाण। उन्होंने देश हित विच किसानां दे सरोकारां दा शांतमई हल कढ़न लई आख्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों हरियाणा में किसानों विरुद्ध पुलिस बल की वरतों की आलोचना करते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे प्रति आम आदमी पार्टी के लीडर संजीदगी से संदेश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्रीय खेती कानूनों के खतरों का टाकरा करने लिए सूबे की विधानसभा में अपने पद्धर से कानून लियाने में नाकाम क्यों रही। मुख्यमंत्री ने कहा केजरीवाल सिर्फ ढकवंज कर रहा है, असल में ना तो उसने किसानों की पवाया है ना ही उन्होंने राखी करने में कोई दिलचस्पी है। उन्होंने दिल्ली के अपने आम रुतबा नूं कहा कि जेकर उन्होंने सचमुच ही किसानों की चिंता है तो दोगलापन दिखाने की बजाय वो किसानों के नाल डट के खड़न। हुशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने होर सूबों में वध रहे कोविड के प्रभाव में देखते हुए जिला वासियों नूं अपील करदिआं कहा कि वो सेहत विभाग वालों जारी हदायतों की पालना करन अते अपने परिवार को कोविड 19 की महामारी तो बचाउण। वह अज जिला लोक संपर्क दफ्तर के फेसबुक पेज से लाइव दौरान जिला वासियों को संबोधन कर रहे सन। इस दौरान उन्होंने कोविड 19 संबंधी जिले की ताज़ा स्थिति बारे दसदिया कहा कि जिले में इस समय 5 हॉटस्पॉट हैं। उन्होंने 1 दिसंबर तो 14 दिसंबर तक लगन वाले नाइट करफ्यू संबंधी भी जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर ने दसाया कि देश के कुछ सूबों में कोविड के वाधे प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 दिसंबर तो 15 दिसंबर तक नाइट करफ्यू लगाने के हुक्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अलावा उन्होंने मास्क न पाने वाले लिए किए जाने वाले जुर्माने 500 रुपए तो वधा के 1000 रुपए करने के भी हुक्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि नाइट करफ्यू रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक होगा, पर दुकाना होटल रेस्टोरेंट मैरिज पैलेस से होर अदारे 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने जिला वासियों को अपील करदे कहा कि वह घर तो बाहर निकलते समय मास्क जरूर पाउण, हत्थां नूं समय समय से साबण अते सैनीटाइजर नाल साफ करते रहन, समाजिक दूरी की नियमों की पालना यकीनी बनाया जाए। उधर उद्योग ते वणज मंत्री पंजाब सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि शहर विच लोगों की मांग अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, इन्हां कार्यां विच फंडां की कोई कमी नहीं आउण दित्ती जाएगी। वो वार्ड नंबर 32 के मोहल्ला प्रेमगढ़ में RMC नाल बन वालियां गलियां के निर्माण कामों की शुरुआत दौरान इलाका वासियों नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां गलियां के निर्माण से 6,62,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि शहर के लोगों तक हर बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाया जा रहा है। लोगों तक पानी के सीवरेज की सुविधा पहुँचाने लिए वाटर सप्लाई और सीवरेज पाइप पाने के कार्य 100% मुकम्मल कर ले गए हैं। इस तों इलावा वार्ड की मांग अनुसार गलियों का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की हर मंग को गंभीरता नाल लैके पहल के आधार पर काम करवाए जा रहे हैं। उधर केंद्र वालों जारी किए गए 3 खेती कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियां पूरे देश में अज नित्रियां हुई। किसान जथेबंदियों वालों दिल्ली चलो अंदोलन विड़िया होया, पर हरियाणा पुलिस वालों उन्होंने सख्ती की जा रही है। इस माहौल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इतराज़ जताया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार के 3 खेती बिल किसान विरोधी हैं। यह बिल वापस लैन की बजाय किसानों को शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन किए जाने तो रोकया जा रहा है। उन्होंने उपर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं तो किसानों से यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतमई ढंग नाल प्रदर्शन करना उन्होंने संवैधानिक अधिकार है। उधर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस मौके संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके यूनिवर्सिटी के शताब्दी यादगारी सिक्के का उद्घाटन भी किया। उन्होंने भारतीय डाक विभाग द्वारा एक खास यादगारी डाक टिकट से उसका विशेष कवर भी जारी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ तो संसद मैंबर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस मौके मौजूद सन। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी को बेनती की कि वह स्थानक कलावान के उत्पादों बारे कोर्स शुरू करे और ना ही इन्होंने स्थानक उत्पादों के मुल वाधे लिए खोज कर सदा दिता। प्रबंध ब्रांडिंग और रणनीति लिखने लिए लखनऊ चिकनकारी मुरादाबाद के पित्तल के बर्तन अलीगढ़ के जिंदरे पदोही के गलीचे जिहे विश्व पद्धरी उत्पाद यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जाने वाले कोर्सों का भाग होने चाहिए। इस नाल एक जिला एक उत्पाद की धारणा को अमली रूप देने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कलावान सभ्याचार ते अध्यात्मकता विषयों नाल निरंतर जुड़े रहने का सदा दिता ता जो उन्होंने समुचे विश्व तक पहुँचाया जा सके। उधर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई वालों अज पिंड धर्मपुरा में संविधान दिवस मौके एक प्रोग्राम करवाया गया। इस संबंधी जानकारी देंदे पम्मी सिंह परमजीत ने दसाया कि इस प्रोग्राम में हलका बोर तो विधायक अरुण नरंग ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। यह प्रोग्राम एस सी विंग की इकाई वालों उलीकिया गया। इस तरह ही फरीदकोट विखे अज राष्ट्रीय संविधान दिवस के संबंध में इतों के अशोका चक्र हाल में विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी प्रधानगी डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विमल कुमार सेठिया ने की। इस मौके समूह विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधन करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री विमल कुमार सेठिया ने दसाया कि संविधान दिवस में राष्ट्रीय कानून दिवस वजों भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को साडा संविधान संविधानक कमेटी सामने रखा गया, जिसन संविधानक कमेटी वालों स्वीकार किया गया तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू होया। उन्होंने कहा कि साडा संविधान दुनिया का सब तो वड्डा लिखती संविधान है जो कि देश के नागरिकों के फर्जा के अधिकारों को बरीकी नाल बयान करता है। उधर आज जिला प्रशासन फरीदकोट और नगर कौंसल फरीदकोट वालों सांझी रूप में सरकार दी हदायतों और मानयोग नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दी गाइडलाइन अनुसार उपमंडल मजिस्ट्रेट कम नगर कौंसल प्रशासक मैडम पूनम सिंह की प्रधानगी हेठ जिला प्रबंधकी कंपलैक्स के अशोका चक्र हाल में ही सिक्ख्या विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों स्कूलों और शहर के सोलड वेस्ट का निपटारा करने लिए एक सैमीनार से ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ये सन अज दी कुछ खास खबर। धन्यवाद।